हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक ही होंगे। फिलहाल अभी टाइम हो चुके 4:32 और आज मैं निकल रहा हूँ कोरीगढ़ फोर्ट की तरफ। लगभग मेरे लोकेशन से वो 60 प्लस आ रहा है। 60 प्लस मतलब इतना दूर भी नहीं है, थोड़ा नज़दीक है। पहले हम लोग प्लान बनाए थे कि सायद्री माउंटेन जाएंगे, बट वो बहुत दूर था। मतलब हमको बस जाने के लिए लगभग 120 किलोमीटर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को मना किया कि इतना दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक मतलब फुल टाइम जॉब भी करते हैं कंपनी में, तो एक ही छुट्टी मिलता है संडे। अगर पूरा दिन ही अगर ऐसे ही मतलब घूमने में निकाल देंगे ना, तो हमको अपना जो डेली वर्क का है ना, वो सब करना मुश्किल हो जाएगा। कपड़ा साफ करो, ये घर का काम, ये वो सब में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा नज़दीक वाला फोर्ट चुने। अरे मस्त नज़ारा है पूरा। मतलब उस टाइम थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, बारिश नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन लिटरली अभी तो मैं क्या बताएं आपको। फिर आगे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, और ऊपर जाने के बाद देखते हैं। चलिए, माय गॉड, मतलब बोल नहीं सकता, कड़क एक नंबर जगह। मतलब पूरा जो अपना जो बादल का जो कोहरा तो नहीं ना, वो पूरा मतलब दिख रहा है कैसे जा रहा है। फोटो खींचे रुकना, बीच बीच में मतलब बादल का पूरा कोहरापन आ रहा है, बीच बीच में पूरा खाली हो जा रहा है। हम लोग रुके थे मतलब 2 मिनट के अंदर ही सब कुछ खाली हो गया। हम लोग थोड़ा लेट हो गया, हम लोग निकले थे बराबर टाइम से, बट जो हम लोग रोड नहीं मिला था ना, दैट्स व्हाई हम लोग थोड़ा लेट हो गए, वरना हम लोग पूरा प्रॉपर टाइम में पहुंच जाते। सो एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा पहुंचने के लिए लेट हो गया, वरना सब कुछ परफेक्ट था। रास्ते में तो बहुत अच्छा सीन मिला। अब भी जस्ट हम लोग चढ़ना शुरू किए हैं, मतलब अभी तक देखा जाए तो लगभग 0.01% हम लोग ऊपर आए हैं, और बाकी जो ऊपर का नज़ारा है मैं आपको दिखाता हूँ। वो उतना ऊपर जाना है, पूरा सीधा जाना है उसके ऊपर। देखो ये समान आदमी को, मतलब हम लोग ने टोटल आने के लिए 104 किलोमीटर घूमा है, और ये जो हमारा दोस्त है हम लोग को एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर घुमाया है। सो ठीक है, आगे मिलते हैं। तो फिर फिलहाल हम लोग को तब से कुछ रास्ता नहीं मिला था, बस चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे, लेकिन हम लोग को रास्ते में कुछ ये मिला, जिसने भी लगा है मेरी मिला बोलना। हाँ, ये हमको रास्ते में मिला, शक्ल से पहचान लो इसको। चलो अच्छा, जिसने भी लगाया बहुत अच्छा मदद किया है। पता नहीं यार ऊपर चढ़ना कैसे है। मतलब पूरा जंगल के बीचों बीच जाना हो रहा है। ओ चला कि ये लोग मेरे को ना बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, धक्का मार दूंगा आज ऊपर से। मतलब काफ़ी दूर चलने के बाद हम लोग को थोड़ा स्टेयर्स दिखना शुरू हो गया है, तो चलिए स्टेयर पे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या हमको मिलेगा।
मुझे तो मतलब अभी से देख के ही लग रहा है कि मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि वहां तक पहुंचना है मतलब काफी टफ है। चलिए शुरू करते हैं। उन लोगों को तो आदत ही है, फिलहाल मेरे को इतना आदत नहीं है। वो जो मेरे दोस्त लोग हैं उन लोग ने टोटल 51 फोर्ट कंप्लीट किया है, मतलब इसको मिला के मैंने अभी बस 5 ही फोर्ट कंप्लीट किया है। फिलहाल शायद हम लोग अभी मेरे को लगता है कि अप्रोक्स 30 या 40% ऊपर तो आ ही गए, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है अभी किला, थोड़ा आराम से दिख रहा है। एक मिनट आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। लग तो रहा है कि आधा ऊपर आ गए। जो पीछे का नज़ारा है कुछ इस तरह, सीन्स बहुत ही अच्छे है। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। जस्ट ये दरवाजा क्रॉस किया, वाह कुत्ता भी ऊपर है। चिकन प्लेन ना होता सो मैंने पूरा फोर्ट अभी पूरा घूम लिया है। बहुत अच्छा लगा आके, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना कुछ देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल रास्ते में जिस तरह का फॉग था और ऊपर आने के बाद जिस तरह का माहौल था, रियली पूरा अमेजिंग था। और मैंने अपना पूरा अपना बेस्ट अप्लाई किया है इस जगह को कवर करने के लिए। एंड अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि कुछ भी करके यहाँ मतलब सुबह आप लोग जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पहुँच जाइएगा। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को आप सोचेंगे कि 5 बजे पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब लगभग 6-6:30 के बीच में हमने एक गलती की थी कि इस बार भी हम लोग लेट हो गए। वैसे तो हर बार ही लेट होते हैं, तो इस बार भी हम लोग लेट हो गए। और हम लोग जब ऊपर पहुँचने के लिए लगभग हमको कितना 8:30 पार हो गया था, तो इसलिए इतना कुछ ठीक से देखने के लिए भी नहीं मिला। एंड भीड़ भी इतना नहीं था। जहाँ तक हमने नीचे वो दुकानदार को पूछा, उसने बोला कि नहीं लोग आके चले गए। तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर 6-6:30 बीच में पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छा है। इनफेक्ट चढ़ने के लिए भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा स्टेयर से स्टेयर से थोड़ा रास्ते में कीचड़ था, उसको आप इग्नोर कर दीजिए, चलेगा वो। एंड देन ऊपर से जो लोनावला का व्यू है देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो
तो अगर आप आना चाहते हैं तो सुबह बस जल्दी पहुंच जाएगा, इतना कुछ रोक टोक भी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। एंड थोड़ा सेफ्टी से आइएगा, मास्क जरूर पहनेगा, हाथ में सैनिटाइजर हर वक्त करते रहें, और सैनिटाइजर अपने साथ भी लेके आइएगा। और अगर आते वक्त अगर हो सके तो, इधर बंदर लोग बहुत हैं, हम लोग कुछ उसके लिए ला नहीं पाए, अगर हो सके तो आप लोग बिस्किट भी थोड़ा ले आएंगे तो अच्छा है। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। दरअसल आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना है कि अगर आप लोग अभी के हिसाब से कहीं कोई ट्रिप करना चाहते हैं, कोई शहर पर घूमने जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग जल्दी निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने जब नीचे उतरा टारीगढ़ फोर्ट से, तो लगभग टाइम हो गया था 11:30 बजे, और उस टाइम पे मतलब हम लोग बाइक स्टार्ट कर रहे थे और पुलिस का एंट्री हो गया, तो हमने जल्दी कल्टी मार लिया। और उसके बाद भी क्या है ना, थोड़ी दूर आगे आने के बाद और रास्ते में भी पुलिस लोग मतलब जाने दे रहे थे लेकिन आने नहीं दे रहे थे। अगर आप लोगों को फोर्ट पे जाना है तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा जल्दी चले जाइए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि एक तो सबसे पहले आपको अच्छा मतलब नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा, देन उसके बाद आपको पुलिस से भी बच जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो बस इतना ही कहना था आपको, तो ये बात नज़र में रख के आप लोग मेरे ख्याल से ट्रैकिंग करना चाहिए। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।